my God, we praise you, Jesus. We worship you, Lord, my God. Thank you, Father, Lord Jesus. We praise you, Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. Hallelujah. Worship you, Lord my God. Hallelujah. तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हाले जहां मैं तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां मैं तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटनों में ठेकूं बस तेरे सामने, मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हाले
सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया, 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 हाले आओ हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें और उसमें रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करें, हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करें। इनके लिए प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारियां हैं, यही हमारी आध्यात्मिकता है। पहला तिमोथी 2:1 से लेके 2 तक हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। अब मैं सब पहले से यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों को, निमित्त इसलिए कि विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं, प्रभु नाश होने वाली आत्मा को बचाएं। एकजुट होकर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें आपके मित्रों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, आपके सगे संबंधी के लिए, आपकी गली के लोगों के लिए, आपके शहर के लिए, गांव के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, सभी आत्माओं के लिए, ताकि प्रभु उनका उद्धार करें। आओ प्रार्थना करें मिलिट्रीज के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए, प्रभु तेरी सहायता से उनका और उनके परिवार का संभाल कीजिए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, प्रभु आप इन्हें भी समर्पण करें ताकि इनका उद्धार हो और सत्य को ग्रहण करें। प्रभु आप उन लोगों के लिए उद्धार का मार्ग खोलें ताकि उनके जीवन में परिवर्तन होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु पुलिस विभाग के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके रक्षा करें परमेश्वर। फायर डिपार्टमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी आप सहायता करें और उनको अच्छी समझ दें ताकि सही रीति से काम करें। आओ हम स्वास्थ्य विभाग के लिए प्रार्थना करें, जो कोई भी स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं जैसे कि डॉक्टर, नर्सेस, स्वास्थ्यवृत्तिक वर्कर्स, इन सबको संभालें, इन्हें संभाले। जो कोई भी इनमें विश्वास योग्य से काम कर रहे हैं, हे प्रभु आप उनकी देखभाल करें ताकि उनकी सहायता हो और उनका उद्धार होने पाए। नगर पालिका के लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें उनके परिवारों के लिए और उनके कामों के लिए। प्रार्थना करते हैं मुख्य अधिकारियों से लेकर छोटे अधिकारियों तक, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उनका उद्धार होने पाए। प्रभु आपने उत्तर दिया हमारी प्रार्थनाओं का, हम आपका धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। किसानों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सभी किसानों भाइयों के लिए और उनके परिवारों के लिए। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने आप शुद्धि ली, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी किसान भाई आत्महत्या ना करे, प्रभु इन सबका उद्धार होने दे।
इन सब की परेशानियों को दूर करें, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा दें, इनकी खेतीबाड़ी में उन्नति आने दें। ऐसे ही प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरी दया इन पे हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आइए सभी विभागों के लिए प्रार्थना करें, बैंकिंग, ITI, इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल्स, इनकम टैक्स, साइंटिस्ट, जजेस, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स एवं इन सभी लोगों की शुद्धि ली। सिंचाई विभाग, डाक विभाग, कुरियर सेवा, शिक्षा विभाग, संचार, हम सब लोगों के लिए विनती करते हैं। सभी विभागों को आप स्मरण करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। इन्हें अच्छा काम करने के लिए इनकी सहायता करें। प्रभु हम चाहते हैं इनका उद्धार हो जाए। प्रभु आप इनकी शुद्धि लें। जो कुछ भी हमने प्रार्थना में तुझसे मांगा, आपने उत्तर दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी स्तुति हो। परिवहन विभाग के लिए प्रार्थना करें। आओ इन सब के लिए प्रार्थना करें, जैसे कि बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, कार ड्राइवर, रेल ड्राइवर, ऐसे ड्राइवर कैप्टन्स एवं ऐसे सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु इनकी रक्षा करें और इनकी आत्मा का उद्धार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहते हैं। प्रभु तुझसे विनती करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी ज्योति और तेरी दया इन पर प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आओ हम विश्व के लिए प्रार्थना करें, जितने भी मसीह लोगों को सताया जाता है। पिता इन सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और सताने वालों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं सभी मिशनरियों के परिवार के लिए, उन्हें स्मरण कर। प्रभु उनकी आप सुरक्षा करें और सब लोगों को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं जो भले काम करते हैं। जब वह सत्य का शुभ समाचार प्रचार करते हैं, उन्हें भी हर एक संकट से और विरोध से उनकी रक्षा करें। और प्रार्थना करते हैं जो विरोध की आवाज उठाते हैं, प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे भारत देश में धार्मिकता की फूट डालने वाले, धार्मिकता के अंदर वाद विवाद करने वाले, इन सभी को प्रभु जी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। लोगों के अंदर शांति आने दें। और हम चाहते हैं प्रभु हमारा भारत देश एक नई ऊंचाई पर होने पाए, किसी भी प्रकार की हानि होने ना पाए। वाद विवाद से इन लोगों को आप बचाएं, ताकि इन सब के अंदर आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। और प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सहायता करें। प्रभु हम चाहते हैं कि भारत देश के अंदर कोई दगा ना होने पाए और कोई भी मतभेद यहाँ प्रवेश ना करने पाए। प्रभु आपके दासों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करेंगे, इवेंजलिस्ट, प्रार्थना योद्धा, बिशप, पास्टर्स, टीचर, इन सब के लिए, इनके परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे, नौजवानों के लिए प्रार्थना करेंगे, गॉस्पल म्यूजिशियंस, सिंगर्स, इन सब के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर इन सबको संभाले। और विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि वॉलंटियर्स को उनकी प्रार्थना में याद रखें। हम प्रार्थना करते हैं इन सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। और खासकर हम प्रार्थना करेंगे हमारे समर्थकों के लिए जो हमारी सेवकाई में आर्थिक सहायता करते हैं, जिससे कि प्रभु इनकी भेंट लेने पाए। सारे संसार के लिए प्रार्थना करेंगे, जहां कहीं भी आराधना हो रही है, परमेश्वर तेरे लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और इनके परिवारों को आपकी सुरक्षा होने दे। भारत में जहां भी तेरी आराधना होती है, हम चाहते हैं प्रभु उनकी सेवकाइयों में उन्नति हो और उनके द्वारा चर्चों में एक नई जागृति आने पाए। हर एक सेवक हिम्मतवर बन जाए, अपने दासों के परिवारों को आशीष करे। प्रभु जो तेरे दास विश्वास योग्य से तेरी सेवा करते हैं, उन्हें आशीष करे और प्रभु उन्हें संभाले। प्रभु आपने उत्तर दिया हमारी प्रार्थनाओं का, हम आपको धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। आपने अपने सेवकों को अब तक संभाला है। आओ हम तीन बार कहें, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस।
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरे सेवकों के लिए। प्रभु हम चाहते हैं तेरे सेवक, उनकी सेवकाई, उनका परिवार तेरे अग्नि कोप से निरंतर घिरा रहे, यही हमारी प्रार्थना है। इन 24 सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोग लगातार इस सेवकाइयों में लगे हुए हैं, इनके ऊपर तेरी महान दया होने दे। सभी एक आत्मा में होकर यह कहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु की दया हो। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। इस संसार की सारी अंधकार की शक्तियों को, शैतानी आत्माओं को यीशु के नाम से बांध देते हैं। हम सब मिलकर बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोग आईसीयू में हैं, चाहे वे आपके मित्र हों, आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके संबंधी हों, इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर की ओर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि वे चंगे हो जाएं और उनको छुटकारा हो जाए। परमेश्वर तेरी एक महान दया होने दे। यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी से जकड़े हुए व्यक्ति को सर से लेकर पैर के तलवे तक छुटकारा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं जितनी भी अंधकार की शक्तियां, बीमारियां, कमजोरियों को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं छोड़। जो लोग त्वचा रोग से पीड़ित हैं, अल्सर अस्थमा से पीड़ित हैं, टीबी से पीड़ित हैं, थायराइड की समस्या से पीड़ित हैं, हृदय की समस्या से पीड़ित हैं, गुर्दों की समस्या से पीड़ित हैं, गैस पथरी से, पित्तशय की समस्या से पीड़ित हैं, गर्भपात समस्या से पीड़ित हैं, आओ हम प्रार्थना करें पुरुष और महिलाओं के लिए, उनकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करें और उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करें। जो माएँ स्तनपान बच्चों को करवाती हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें, उनकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उन्हें चंगा करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें जिनके हाथों की हथेलियों में जलन होती है, पैरों में जलन होती है, हर एक बीमारी क्यों ना हो, हम सब इनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इनको पूरी तरह से छुटकारा दे। आप दयालु हैं, तेरी दया और तेरी कृपा इन सब के ऊपर होने पाए, ताकि यह लोग जब चंगे हो यह तेरी साक्षी दे पाए। यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार हो जाए। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, जो कुछ भी हमने प्रार्थना की आपने उत्तर दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति हो। मानसिक तनाव के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु मानसिक तनाव से पीड़ित, मंद होना, सभी प्रकार के भय, चिंताएं और जो उदास और दुखी हैं, मानसिक बीमारी वालों को याद रखें, ऑटिज्म से पीड़ित लोग यीशु मसीह के नाम से सब चंगे हो जाएं और उनका उद्धार हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं जो आत्महत्या के विचारों में हैं और बुरे विचारों में फंसे हुए हैं, वह बड़े से लेकर छोटे तक, मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ उन सबको छोड़। शैतान की सारी शक्तियाँ, आत्महत्या को भड़काने वाली आत्मा को आज्ञा देता हूँ छोड़, और वह चंगे हो जाएं। हम यही प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें हम किसी भी दुविधा में ना पड़े, अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। इसी प्रकार हम प्रार्थना करें सुनामी के लिए, भूकंप के लिए, भवंडर के लिए, ज्वालामुखी के लिए, बाढ़ और जैसे जमीन का खिसकना एवं अकाल के लिए, और बहुत ऐसे खतरनाक दुर्घटनाएं होने जा रही हैं, जैसा कि भविष्यवक्ता के द्वारा कही हुई बातें पूरी होने जा रही हैं। प्रभु हमें आने वाले समय से बचाएं। प्रभु हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं, हम अपने लोगों को, अपने दासों को आने वाली दुर्घटनाओं से बचाएं और हमारी रक्षा करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हम विमानों का जो सफ़र करते हैं, प्रभु आपकी कृपा सब पे हो और हमें संभाल। रेलगाड़ी की यात्रा करते समय हमारी सुरक्षा करें। गैस सिलेंडर की दुर्घटनाओं से बचाएं। फोन ब्लास्ट होने की दुर्घटनाओं से बचाएं। आग की दुर्घटनाओं से बचाएं। वाहन चालकों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो लोग लापरवाही से वाहन चलाते हैं उन्हें समझ दे, ताकि वह समझदारी से वाहन चलाएं। प्रभु जैसे तूने वादा किया है, तू हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करेगा। धन्यवाद करते हैं आपके वादे के लिए। प्रभु हमारे आने जाने में हमारी सहायता करें।
आओ हम परमेश्वर से प्रार्थना करें हमारे भविष्य के लिए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन की यात्रा को सफल करे। मसीह के प्रियजनों, हम एक साथ होकर एकत्रित हो जाएं, जो संसार के अंदर आत्माओं को नाश करने वाली अंधकार की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से नाश करे, वह निकल जाए। हम प्रार्थना करते हैं, चाहे वो घर में हो, गांव में हो, शहर में हो, एवं कहीं भी हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें डांटते हैं, जहरीले कीड़ों के द्वारा किसी भी प्रकार की मृत्यु ना होने पाए। प्रभु हम चाहते हैं कि तू अपने लोगों की देखभाल कर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि किसी भी मनुष्य को जंगल के जानवरों से और एवं किसी भी जानवर से किसी मनुष्य को हानि ना होने पाए। प्रभु हम तेरे हाथों में सबको समर्पित करते हैं, जहाँ कहीं भी आपके लोग हो उनकी रखवाली करें। अचानक होने वाली मृत्यु को की जो नौजवानों में अधिकतर होती है, उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता आप हमें बचा सकते हैं और अपने लोगों को भी प्रभु तेरी दया के द्वारा आने वाली मृत्यु से बचाए। जितनी आयु आपने दी है उतनी आयु हम बिताने पाए। मदद करें ताकि विश्वास योग्य से और सच्चाई से जीवन को व्यतीत करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सहायता करें। प्रभु के प्रियजनों, आओ हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हम एक होकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु बच्चों पर तेरी महान दया हो जाए, ताकि नौजवान बच्चे नाश ना हो। प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो बच्चे अगवा करते हैं, प्रभु उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं, उन्हें धिक्कारें। प्रभु उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बच्चों को गलत मार्गों में चलाते हैं, और जो लोग बच्चों से भीख मंगवाते हैं और गैर कानूनी काम करवाते हैं, ऐसे लोगों को धिक्कारें। प्रभु बच्चों पर तेरी महान दया हो जाने और वे किसी भी प्रकार के आदि ना हो और ना किसी प्रकार की गलत संगतियों के आदि हो। जो बच्चे बुरी आदतों के आदि हैं और अश्लील साइट देखने वाले बच्चे, मोबाइल का ज्यादा उपयोग करने वाले बच्चे, इन सब को प्रभु छुटकारा दे। प्रभु तेरे लोग बचाए जाए और उन सब का नाश करने वाली दारू, अन्य प्रकार के आदि, इस सब का छुटकारा हो। तुझसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं व्यभिचारियों के लिए। हम यही चाहते हैं कि प्रभु इन सब का छुटकारा हो जाए। हम ऊंची आवाज से तुझे पुकार कर प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन बदल। सारे विश्वासी लोग बचाए जाएं, गलत शिक्षाओं से बचाए जाएं। जो लोग मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर लोगों को आकर्षित करते हैं, उन लोगों से अपने आप को बचाए। तेरे लोगों को तेरे वचन की सही ज्ञान दे, ताकि वह सत्य के मार्ग पर चले। प्रभु आप उनका छुटकारा करें जो लोग गलत शिक्षा में फंस चुके हैं। आइए इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। चोर, तांत्रिक, झूठे, अपश्चातापी, धमकाने वाले, दगा करने वाले, धार्मिकता के संघर्ष को शुरू करने वाले, घर में झगड़ा उत्पन्न करने वाले, जो हमारे आसपास के माहौल को बिगाड़ते हैं, प्रभु जी इनके मनों को बदलें, ताकि इनका पूरी तरह से जीवन परिवर्तन हो जाए। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो लोग भोले भाले लोगों को फंसाते हैं और उनके साथ दगा करते हैं, ऐसे लोगों की तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो लोग विधवाओं की संपत्ति को लूटते हैं, सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु उन लोगों को बदलें जो बड़ी बेरहमी से व्यवहार करते हैं। प्रभु हम चाहते हैं इनका जीवन बदल जाए, वे अपने समाज के लिए अच्छे व्यक्ति और अच्छे पिता के समान, एक अच्छे व्यक्ति के समान निवासी बन जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो लोग हैकिंग करते हैं, उनका मन परिवर्तन हो जाए। हम यही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं गुनाहगारों के लिए, प्रभु तेरे प्रेम का अनुभव उन्हें आने दे, वह भी पश्चाताप करे और तुझे ग्रहण करे। दया करें पिता, उन्हें छुड़ाएं और उनका जीवन बदल जाए। प्रभु उनके लिए भी सही न्याय करने में उनकी मदद और सहायता करे, ताकि उनकी रिहाई हो जाए। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो बिना किसी कारण में जेल में फंसे हुए हैं, जल्द से वे अपने घर में जाएं, उनका छुटकारा हो, यही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपसे विनती करते हैं और प्रार्थना करते हैं फिल्मी कलाकारों के लिए और कारोबार करने वालों के लिए, राजनीति करने वालों के लिए। हम चाहते हैं प्रभु तेरी भेंट उन सब से हो जाए, इनकी आत्मा का तारण कर। हालांकि इनके पास बहुत धन हो सकता है, बहुत नाम और शोहरत हो सकती है, यह लोग अपनी आत्मा को
स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। यह लोग तेरी सच्चाई को जानें और तेरे पास आएं, जो आत्मा को बचा सकता है, इनका और इनके परिवार का उद्धार हो। वे लोग तेरे प्रेम को जानें, उनके लिए भी मार्ग खोल, ताकि इनका भी उद्धार हो जाए। यह लोग इस बात को जाने कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए लहू बहाया है, उनके सारे पापों को छुटकारा दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। आओ हम प्रार्थना करें उनके लिए जिनके पास काम नहीं, जो बेरोजगार है। वे अपना हाथों को उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है और वे प्रभु यीशु मसीह के नाम से साक्षियों को दे रहे हैं। जो कुछ भी तुम यीशु मसीह के नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आपसे निवेदन करते हैं, जिन बेटे और बेटियों के पास काम नहीं है, उन्हें काम दीजिए और तेरा अनुग्रह करें। उनके अंदर से शक की आत्मा को दूर करें। आर्थिक समस्याओं से, परेशानियों से बेचिंतित कीजिए। प्रभु, जैसे आपके बच्चों ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है, उन्हें मिलने में मदद और सहायता करें और ग्रीन कार्ड मिलने में सहायता करें, जैसे कि पीआर वीजा मिलने में मदद करें। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जिन लोगों ने स्टडी वीजा और वर्क वीजा के लिए आवेदन किया हुआ है, दूसरे देशों में जल्द से जल्द उपलब्ध करने में सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जिनके पास घर नहीं, उन्हें घर मिलने में मदद और सहायता करें। जिनके पास गाड़ियां नहीं, उन्हें गाड़ी मिलने में मदद और सहायता करें। आकाश और पृथ्वी परमेश्वर की है। प्रभु, जो कुछ भी इसमें है, वह सब कुछ तेरा है। जब तक तू आ नहीं जाता, तब तक प्रभु तेरे लोगों के पास अपने घर होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे पिता, मैं चाहता हूँ हर एक परिवार में निरंतर प्रार्थना होती रहे, आराधना अभिषेक के साथ लगातार उनके परिवारों में होती रहे। हम प्रार्थना करते हैं जो विवाहितहीन हैं, प्रभु उन लोगों के गैर संबंधों से छुटकारा दे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो शादी के बंधनों में बंधने के लिए जा रहे हैं, उनकी शादियां होने पाए बिना किसी रुकावट से। आप उनके ऊपर अनुग्रह करें। प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी आशीषों के लिए, जो कि नौजवान भाइयों और बहनों पर है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसीलिए सारी महिमा और आदर तुझे देते हैं। शादी के बाद किसी भी परिवार के अंदर पति और पत्नी के बीच में वाद विवाद ना होने पाए, उनके परिवारों में एकता बनी रहे, उनके घरों में शांति आनंद यीशु मसीह के नाम से उनके परिवार में सर्वदा बना रहे। सारा आदर और महिमा परमेश्वर को हो। आओ हम प्रभु से कहें कि अपने लोगों की मदद करें। प्रभु से कहें, आज से, इस हफ्ते से, इस महीने से, जिन्होंने अपने काम कारों को शुरू किया है और करने जा रहे हैं, जिस किसी ने शुरू किया है उनकी सहायता कीजिए और उन्हें अपने कामों में बढ़ोतरी लाने में मदद करें। परमेश्वर उनकी सारी अड़चनों को दूर करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, तेरे लोगों के व्यापार में बढ़ोतरियां होने दें और यह लोग तेरी सेवकाई के लिए सहभागी हों, अपनी सहायता के द्वारा चर्च में उपयोग हो। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आप इन्हें बदले, अपनी सेवा में बढ़ाएं और यह तरक्की करते जाएं, अपनी सहभागिता के द्वारा चर्च में उपयोग हो। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आप इन्हें बदले, अपनी सेवा में बढ़ाएं और यह तरक्की करते जाएं। प्रभु, जैसे तेरे बच्चे ऊंचे पदों पर जाते हैं, उनकी जल्द से जल्द तरक्की होने में मदद करें। प्रभु की महिमा हो उनके ऊंचे पदों के लिए और उनकी तरक्की के लिए। प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। हम चाहते हैं कि प्रभु जिनके पास संतान नहीं, उन्हें संतान दे। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि जिनके पास बच्चे नहीं, वह अपने हाथ को
अपने पेट पर रखे ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तेरी दया उन पे हो जाए जो बच्चों को चाहते हैं। प्रभु जैसे आपने अब्राहम और सारा को इजाक दे दिया, और जैसे आपने एलिजाबेथ और जकरिया को यहूना दे दिया, वैसे ही इन सबों को याद कीजिए। हर एक गर्भपात महिला फल देने पाए, हर एक जो जिसमें बाग हो रहे हैं बच्चों के लिए, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें स्वास्थ्य शिशु जन्म देने में आशीष करें। प्रभु आप उन सब को याद करें जो गर्भवती महिला है, ताकि जो बच्चे उनके गर्भ में हैं उनका विकास होने पाए। जो औरतें बच्चों को जन्म देने के लिए जा रही हैं और उनकी डिलीवरी नॉर्मल होने में मदद और सहायता करें। बच्चा और माँ सही सलामत घर आए, यीशु मसीह के नाम से यही प्रार्थना करते हैं। इस समय हम सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनको आशीष करे, बुद्धि और ज्ञान में उनको बढ़ाए, ताकि वह अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, वे समझदारी से बढ़े और परमेश्वर की कृपा और मनुष्य की कृपा में बढ़े। आओ हम सभी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनके उठने बैठने और स्वभाव में बदल करें। प्रभु आप इन्हें अपने पास आने दें। आइए हम प्रार्थना करें हमारे बच्चों के लिए, ताकि वह इवेंजलिस्ट, प्रॉफेट, ईमानदार नेता बने। प्रार्थना करें कि शिक्षक आईएएस, आईपीएस और मुख्य विभागों में बढ़ते जाएं। वह आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में होने में उनकी मदद और सहायता करें। और हम चाहते हैं वह राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स और ऊंचे पदों की शिक्षा प्राप्त करते हुए ऊंचाइयों में बढ़ते जाएं। तेरी दया उनके ऊपर होने दी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु उन्हें भी आप याद रखें, जो कोई अपनी तैयारी आने वाली परीक्षा के लिए कर रहे हैं उनकी भी मदद करें। प्रभु आप उनकी मदद करें कि जो सही समय पर सही प्रश्न का उत्तर दें, ताकि वह सही परीक्षा लिखकर डर की आत्मा से दूर हो जाए। हर एक विषय उनके लिए आसान हो जाए, उनकी रुचि और पढ़ाई की तरफ बढ़ने पाए। तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो, ताकि यह धार्मिकता पर चलने लगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के प्रियजनों, आई एम सभी पीजीएस पॉल फाउंडेशन और उनकी सभी सेवाओं के लिए प्रार्थना करें, जो मुफ्त चिकित्सा शिविर, रक्तदान, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद और सेवकाई अन्यथा प्रकार की जाती है। अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, विधवा के घरों में जो जुड़े हुए हैं और उनके बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी मदद करें और उन्हें आशीर्वाद करें। प्रभु स्वर्ग के द्वार इनके लिए खोले। प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे सेवकों के लिए जो इस सेवकाई में लगातार इस सेवा में जुड़े हुए हैं। आइए हम सभी दुनिया भर में सभी अनाथालयों, वृद्धाश्रम, विधवाओं के घरों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनकी रक्षा करें, उनकी जरूरतों को पूरा करें और उन्हें यीशु मसीह के नाम से शिफा मिले, आमीन। भूख से होने वाली मृत्यु को प्रभु आप रोके। हमारे देश में अनपढ़ता को खत्म करें। कई अमीर लोग हैं जो आगे आके इन गरीबों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। प्रभु इनके विचारों को बदले, प्रभु इनके हृदयों का परिवर्तन करे, और ताकि यह लोगों का उद्धार हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं विकलांगों के लिए, जिनके शरीर में समस्याएं हैं, जो दूसरे लोगों की तरह अपने कामों को नहीं कर सकते हैं। प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके शरीरों के अंदर फिर से प्रभु जी खुदांदा ताकत आए और उनकी जरूरतों को पूरा करे और उनकी सहायता करें। और प्रभु हम चाहते हैं कि इनके उद्धार हो जाए। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें इन किन्नरों के लिए, इनकी आत्माओं के उद्धार के लिए, कि प्रभु की सहायता से इनकी आत्मा का उद्धार होने पाए। और प्रभु हम तुझसे कहते हैं, प्रभु इनकी रक्षा करें और संसार में इनके आदर योग्य जीवन में व्यतीत करने में इनकी मदद और सहायता करें, आमीन। Thank you, Jesus.
परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं बुजुर्गों के लिए, वृद्ध आश्रम के लिए और उनमें रहने वाले जितने भी लोग हैं, परमेश्वर आप उनकी जरूरतों को पूरा करें और प्रभु उनकी सहायता करें, और विशेष क्रम प्रार्थना करते हैं कि इनके उद्धार हो जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके मन खेदित हो चुके हैं और जो शोक में बह चुके हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने प्रिय जनों को खोया है, प्रभु अपने प्रेम की तसल्ली उन्हें दे ताकि उनकी सहायता होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन सब की मदद करें और इन सब का उद्धार हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इस समय सभी एक साथ होकर कहें, परमेश्वर इज़राइल को आशीर्वाद दे, परमेश्वर इज़राइल को आशीर्वाद दे। अब्राहम के वंशावली और विशेष रूप से इज़राइल में रहने वालों को आशीर्वाद दे। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इज़राइल में रहते हैं। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी ही गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते yeah।
धन सारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना, हम तेरे हाथों की रचना, हम पर लगे तेरी करुणा, सागर में खोने न देना, अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे भराना, जीवन की हमारी इस नैया को अब सागर में खोने न देना,
परम पिता के हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता के हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। वही है हमारा परम पिता, तरसाता है सर्वदा। वही हमारा परम पिता, तरसाता है सर्वदा। पूरब से पश्चिम है जितना दूर, उतनी दूर किया हमारे गुना। परम पिता से स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। उसमें दी तसली, दुनिया के कतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसली, दुनिया के कतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध है कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता के हम स्तुति गाए, बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों से करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता के हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें।
आइए हम सब इस समय सभी एक साथ होकर कहें, परमेश्वर इज़राइल को आशीर्वाद दे, परमेश्वर इज़राइल को आशीर्वाद दे। अब्राहम के वंशावली और विशेष रूप से इज़राइल में रहने वालों को आशीर्वाद दे। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इज़राइल में रहते हैं, उनके प्रियजनों के घर आने में प्रभु मदद और सहायता करें। जो लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बचाएं और उनकी सुरक्षा करें। प्रभु उन सभी को याद करें। अब्राहम के वंश को एहसास हो और पता चले यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है। उनके मन परिवर्तन हो जाएं और वह भी उद्धार पाएं। यहोवा तेरी दया उनके ऊपर होने दे। इज़राइल में और उनके आसपास बने रहें। जैसा कि हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी आशीर्वाद दें। प्रभु आप उन्हें आशीर्वाद दें और उनकी रक्षा करें। प्रभु उन्हें भी तुम्हारी ओर आने के लिए तैयार कराएं और उन दो गवाहों को आने दो जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है, और मंदिर को बनाने दे ताकि तेरा इज़राइल में राज्य सिद्ध हो जाए। यीशु के नाम से हम सब कहते हैं गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया। हम सब कहें गॉड सेव इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया, आमीन। प्रभु भारत देश को आशीष करें, प्रभु भारत देश को आशीष करें, प्रभु भारत देश का उद्धार करें, प्रभु भारत देश को आशीर्वाद करें, आमीन। मेरे भारत देश में एक महान जागृति आने पाए और इनका उद्धार हो जाए। हम अपने हर एक भारत देश के राज्य और केंद्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भारत देश में एक नया परिवर्तन आ जाए, यही हमारी प्रार्थना है, आमीन। आओ हम सब कहें मरनाथा, प्रभु यीशु जल्दी आ जाए, प्रभु यीशु जल्दी आ जाए, प्रभु यीशु जल्दी आ जाए। अब तक हमने जितनी भी प्रार्थना की, प्रभु आपने उसका उत्तर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इस समय अपने व्यक्तिगत विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी अपनी डायरी को लें और उसमें लिखी हुई प्रार्थनाओं के ऊपर हाथ रखें और प्रार्थना करें। आइए हम सभी एक मन हो के प्रार्थना करें। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हो, जहां कहीं भी हो, आप हमारे साथ प्रार्थना करें।
राजा प्रभु यीशु के दरवाजा जीवन मिलेगा तुझे आजा आजा प्रभु यीशु के दरवाजा जीवन मिलेगा तुझे आजा आजा प्रभु यीशु के दरवाजा जीवन मिलेगा तुझे आजा आजा प्रभु यीशु के दरवाजा जीवन मिलेगा तुझे आजा
प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और हमारी जरूरतों को सुना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और बिना संदेह के मांगो। परमेश्वर ने हमें बिना संदेह के दिया, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता आपके अद्भुत कामों के लिए हम तो आपको धन्यवाद देते हैं। शांति के राजकुमार, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम आपके वचन को पूरा करते हुए जिसके साथ आपने वादा किया है कि आप हमारे बोझ को हटा देंगे और हमारी देखभाल करेंगे। हर एक वह विषय जो परमेश्वर हमने तुम्हें कहे हैं, आपकी इच्छा के अनुसार हमें उसका उत्तर दीजिए। आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर आप अपने लोगों को प्रदान करें। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और प्रभु हम उसे विश्वास से ग्रहण करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, आपने इच्छा के अनुसार उत्तर दिया। हम धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से विश्वास करते हैं, आमीन। तो आइए अपनी अपनी डायरी को स्क्रीन की ओर मोड़ें। तो आओ मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूं और हम अपने हाथों को परमेश्वर तेरी ओर उठाते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं। और वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से महान चिन्ह और चमत्कारों को देख रहे हैं। आइए हम सब परमेश्वर की स्तुति करें और विश्वास के साथ इस बात की स्तुति करें कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। हर एक के घर से हर एक व्यक्ति अपने हृदय की गहराइयों से परमेश्वर की स्तुति करे, क्योंकि उनको परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। हर एक अंधकार की आत्मा को, परमेश्वर के लोगों में आने वाली हर एक अड़चनों को उसे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं कि छोड़। हर एक बीमारियों के लिए, आर्थिक समस्याओं के लिए परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि ये सारी समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों में से दूर होने पाए। आइए हम हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसने हमें आशीर्वाद किया, हमें हर एक समस्याओं से बचाया, हर एक रोग बीमारियों से बचाया, हम उसको धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने लोगों को फलों से भरे, आत्मिक वरदानों से भरे और पवित्र आत्मा से भरे, जिससे कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर दया हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि आप लाइफ चेंजिंग सुबह और शाम की आराधना में शामिल हो रहे हैं, प्रभु आपको आशीर्वाद दे और प्रभु आपको बनाए रखे। परमेश्वर अपना प्रकाश तुम पे बनाए रखे। आप सभी अपने जीवन में लाइफ चेंजिंग अनुभव पाएं और लाइफ चेंजिंग चिन्ह और चमत्कार पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जोर से ताली बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अभी हम परमेश्वर के लिए एक गीत गाते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। यदि आप ताली बजा सकते हैं तो आप बजाइए, अन्यथा आप प्रार्थना के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। हालेलुया स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
स्तुति करेंगे, हमेशा यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हमेशा यीशु की स्तुति करेंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, हमेशा यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हमेशा यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 जीवन दिया और रक्त भी बहाया। क्रूस पे जीवन दिया और रक्त भी बहाया। पाप को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी है दिया। पाप को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी है दिया। हालेलुया स्तुति करेंगे, हमेशा यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हमेशा यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 स्तुति करेंगे, हमेशा यीशु की स्तुति करेंगे। Hallelujah, 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 Hallelujah. ये जोर से ताली बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक और गीत को गाते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसे
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए जोर से ताली बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अभी हम परमेश्वर के दास से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। आइए हम थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जाते हैं, जिससे कि परमेश्वर हमसे बात करने पाए। कृपया करके आप इसे लिख लें और ध्यान से सुने और प्रार्थना में बने रहें और तैयारी करें कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करने पाए। Topic is God's plan for your life. आज का विषय है आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना। The Bible says clearly God has a plan for your life. परमेश्वर ने एक योजना के साथ हमें बनाया है। Jeremiah 29 verse 11 says. यर्मिया 29 अध्याय और 11 वचन कहता है। For I know the plans I have for you. जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। Declares the Lord plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. वे हानि की नहीं वर्ण कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। God has a plan for you. परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना God है। has a purpose for परमेश्वर you. के पास आपके लिए एक उद्देश्य है। He made you wonderfully in the womb of your mother. उसने आपकी माता के गर्भ में आपको अद्भुत रीति से बनाया। God only created man and woman when you read Genesis chapter 1 verse 26 to 29. परमेश्वर ने ही स्त्री और पुरुष को बनाया। जब आप पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका एक अध्याय 26 से 29 वचन में। Genesis chapter 2 verse 18 to 32. And God only created man. और उत्पत्ति 2 अध्याय 18 से 32 वचन तक परमेश्वर ने ही मनुष्य की रचना की है। But after the fall of man, लेकिन मनुष्य के पाप में गिर जाने के बाद problems came to the world. नाश और समस्याएं संसार में आए। Quarrel, fighting against each other, insulting others, envy, jealousy, anger, short temper, all these things took place on this earth after the fall of man. लड़ाई और एक दूसरे से झगड़ना, एक दूसरे की बेइज्जती करना, ईर्ष्या और जलन करना, गुस्सा, जल्दी क्रोधित हो जाना, ये सब बातें इस संसार में हुई मनुष्य के पाप में गिर जाने के बाद। That is why to take away the curse from this world. इसीलिए संसार से इस श्राप को ले लेने के लिए, हटा देने के लिए। Jesus came to this world and shed his blood for you and me. यीशु इस संसार में आया और उसने आपके लिए और मेरे लिए अपने लहू को बहाया। Take away your poverty. आपकी गरीबी को लेने के लिए। He came and he took our poverty on the cross. आके हमारी दरिद्रता को अपने ऊपर क्रूस पे ले लिया। Every curse, every disease, every problem from your life. ताकि वो आपके जीवन से हर एक बीमारी को, हर एक समस्या को निकाल दे। He died on the cross. वो क्रूस पे मर गया। So everyone on earth, whoever believes Jesus Christ is my only savior, you are going to receive the blessings, eternal life and forgiveness for your sins and great salvation freely you can receive it. इसलिए इस धरती पे जो कोई भी इस बात को मानता है कि यीशु मसीह ही मेरे लिए केवल एक ही उधार करता है, आप आशीष को पाएंगे, आप अनंत जीवन को पाएंगे और अपने पापों से क्षमा को पाएंगे। If God made you, he has a plan for you. और महान उधार को आप मुफ्त में पा सकते हैं। God created you, he has a purpose for you. अगर परमेश्वर ने आपको बनाया है तो उसके पास आपके लिए एक योजना है। He has put a special fingerprints on your thumb that definitely has a special purpose about your life. ने आपके हाथ के अंगूठे पे आपके अंगूठे के उंगलियों के निशानों को बनाया है। जरूर उसका भी आपके जीवन में कुछ मकसद है। God has a special purpose with you. That is why he has put a special fingerprints and special iris. क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए एक खास उद्देश्य है, इसीलिए उसने आपके हाथ के अंगूठे में एक खास प्रकार के उंगलियों के निशान को बनाया है और आपकी आंख की पुतलियों को भी इसी प्रकार बनाया है। God has a different plan for you. परमेश्वर के पास आपके लिए एक अलग योजना है। Wonderful plan for your life. आपके जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। Maybe you are a student. हो सकता है कि आप एक विद्यार्थी हैं। Maybe you are a job holder. या एक नौकरी वाले हैं। Maybe you are a housewife. आप हो सकता है एक गृहिणी हैं। Maybe you are just a businessman. हो सकता है कि आप कोई व्यापारी हैं। However,
whoever. आप चाहे कैसे भी हो या कोई भी हो. But God has a plan for you. लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है. Lord, Thy will be done before I close my eyes. प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो इससे पहले कि मैं अपनी आँखों को बंद करूँ. Thy will be done before I close my eyes. तेरी इच्छा पूरी हो इससे पहले कि मैं अपनी आँखों को बंद करूँ. प्रभु मेरे जीवन में अपनी इच्छा को पूरा कर. How many would say that? कितने लोग ऐसा कहेंगे? How many would follow the will of God? कितने लोग परमेश्वर की इच्छा के पीछे चलेंगे? I was thinking I want to become a pilot. मैं सोच रहा था कि मैं एक मान चालक बनूंगा. God was thinking I should become a pastor. लेकिन परमेश्वर सोच रहा था कि मैं एक कलीसिया का अगुआ बनूं. अब परमेश्वर ने मुझे एक पासबान बनाया है. I never ever thought to become a pastor. मैंने कभी भी एक पासबान बनने के विषय में नहीं सोचा. I know what is pastor's life, hatching, matching, dispatching. मैं जानता हूँ एक पासबान का जीवन कैसा होता है. उसका जीवन होता है सोचना, उसको मिलाना और फिर निकाल देना. एक पास्टर का जीवन कैसा है मैं जानता हूँ. हैचिंग, मैचिंग और डिस्पैचिंग. क्या आप इस बात को समझे हैं? पास्टर जी का काम क्या है? बहुत सारे लोगों के मन में क्या है? हैचिंग, जिसका मतलब है जब एक बच्चा पैदा होता है के बाद उसका नाम रखने के लिए आवश्यकता है इसकी पास्टर जी की. उसके बाद बीच में कोई जरूरत नहीं है, कोई काम नहीं है. इसलिए उसके बाद शादी के समय में नवविवाहित जोड़े को आशीष देना है, इसलिए उस समय पास्टर साहब की आवश्यकता है. शादी हो जाने के बाद पास्टर जी की जरूरत नहीं है, फिर बच्चे होते हैं, फिर घर बनाना है. इन सब के बीच में पास्टर की आवश्यकता नहीं है. तब उसके बाद कब याद आती है पास्टर जी की? डिस्पैचिंग, जब कोई मर जाता है और अंत की यात्रा के समय पास्टर जी की याद आती. इसलिए मैं एक पास्टर बनना पसंद नहीं करता. I don't like to become a pastor. मैं एक पास्टर बनना पसंद नहीं करता. But God has planned my life to be a pastor to save many people and bring them to heaven. लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए इस प्रकार योजना बनाई कि मैं एक पासबान बनूं ताकि मैं बहुत सारे लोगों को बचा सकूं और उन्हें स्वर्ग में लेके आऊं. God did not allow me to be a pilot. परमेश्वर ने एक विमान चालक बनने के लिए मुझे अनुमति नहीं दी. I said, no, you should not be a pilot. परमेश्वर ने कहा नहीं तुम एक विमान चालक मत बनो. I never accept that. मैंने इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं किया. But one day, Holy Spirit of God touched me. लेकिन एक दिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ. Without my knowledge, my tears are rolling. बिना मेरे जाने मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे. Hands, my total body started shivering. मेरे हाथ और मेरा पूरा शरीर कांपने लगा. All my sins started coming in front of me. और मेरे सभी पाप मेरे सामने आने लगे. I asked, Lord, forgive me. Lord, forgive me. तब मैंने कहा प्रभु मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे. Wash me with your blood, Lord. मुझे अपने लहू से धो दे प्रभु. That time I cried like a baby. उस समय मैं एक बच्चे के समान रोया. After that, my heart became so light. और उसके बाद मेरा हृदय बहुत ही हल्का हो गया. So happy. मैं बहुत खुश हुआ. Great joy. मेरे जीवन में एक महान आनंद आया. Tears are rolling down. मेरे आंसू बह रहे हैं. Heart became so weightless. लेकिन मेरा मन बहुत ही हल्का हो गया. I started rejoicing in God and praising God. मैं प्रभु में आनंद मनाने लगा और उसकी स्तुति करने लगा. Bubbling joy when I praising God started speaking unknown tongues and different words, a strong words started coming out of my mouth. जब उस उमड़ते हुए आनंद के साथ मैंने अपने मुंह को खोला तो मैं अन्य भाषा में, अनजान भाषा में बात करने लगा. तब मेरे मुंह से शक्तिशाली शब्द बाहर निकलने लगे. वो अन्य भाषा है. After that I saw a great vision. और उसके बाद मैंने एक महान दर्शन को देखा. A mountain is mocking at me. एक महान पर्वत मेरे सामने है जो मेरा मजाक उड़ा रहा था और कह रहा था You can do nothing, you cannot come up, you are useless, something like that. तुम व्यर्थ हो, बेकार हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ इस प्रकार से. You are hopeless, you are useless. तुम्हारे लिए कोई आशा नहीं है, तुम व्यर्थ हो. I saw that mountain is speaking to जब मैंने देखा कि वो पर्वत, वो पहाड़ मुझसे बात कर रहा started है. Speaking more in tongues. तब मेरी आत्मा और भी अन्य भाषा में बात करने लगी. With the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा. Words which are coming out of my mouth like arrows, fiery arrows went and hit that mountain. Everything was demolished. अब उस समय मेरे मुंह से जो बातें निकल रही वो आग से जलते हुए तीरों के समान थी. तब उन्होंने जाके जब उस पहाड़ को भेदा तो सब कुछ वहाँ पे खत्म हो गया. But I see all this in vision. ये सब मैंने एक दर्शन में देखा. And the mountain has a mouth and spoke to me. You are useless. You are nothing. You are hopeless. You will become nothing. You cannot do anything. That really insulting me. When I started speaking more in tongues in prayer, these words like a fiery arrows went and hit that mountain. Total mountain. It was leveled completely. उस पहाड़ का एक मुंह था और उसने मुझसे बात की कि ये तुम्हारे लिए कोई आशा नहीं है, तुम व्यर्थ हो, तुम्हारे लिए कोई आशा नहीं है, तुम कुछ भी नहीं बन पाओगे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते. वो पहाड़ मेरी बहुत ही निंदा कर रहा था. जैसे ही मैंने और प्रार्थना में अन्य भाषा में बात करना शुरू किया तब मेरे मुंह से ये जो शब्द निकल रहे थे ये अग्नि बाणों के समान जाके उस पहाड़ को लगे और वो पूरा का पूरा पहाड़ वो टूट गया और एक स्तर पे आ गया. When I saw that his mountain is demolishing, more strongly I started speaking more in tongues. जब मैंने देखा कि ये पर्वत पूरी तरह से नाश हो रहा है तब मैं और ज्यादा पवित्र आत्मा में बातें करने लगा. I understood there is a power in speaking in tongues. मैं समझ गया
कि अन्य भाषा में बात करने में सामर्थ्य है। There is a strength in speaking in tongue. अन्य भाषा में बात करने में एक सामर्थ्य है। There is a great things will happen when you speak to God. जब आप परमेश्वर से इस प्रकार बात करेंगे तो महान बातें होंगी। He who speaks in tongues is speaking unto God, not unto man. वो जो अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है, ना कि मनुष्य से। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और 2 वचन। First Corinthians chapter 14 verse 4. पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 4 वचन। Speaking in tongues you edify yourself. जब आप अन्य भाषा में बात करते हैं उससे आप अपने आप को और उन्नत बनाते हैं। First Corinthians chapter 14 verse 18. पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 18 वचन। Apostle Paul said, I speak more than you all. I speak in tongues more than you all. पौलुस कहता है, तुम सब में से ज्यादा बढ़ के मैं पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में बात करता हूँ। Speaking in tongues is a wonderful gift. अन्य भाषा में बात करना एक अद्भुत उपहार है। Desire for it. आप इसकी इच्छा करें। Ask for it. आप उसे मांगे। God will definitely will release into your spirit. परमेश्वर निश्चित रूप से ये उपहार आपको देगा आपकी आत्मा में। The joy of the Lord changed my plans and said that my son don't be a pilot, be a pastor. Start winning souls. Bible says, wise man will win souls. Wise man will not become pilot. It is written. इसके बाद परमेश्वर के आनंद ने मेरे सभी योजनाओं को बदल दिया और कहा, अब से तुम विमान चालक मत बनो और एक कलीसिया के पासवान बनो और आत्माओं को जीतना शुरू करो। और बाइबल कहती है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति आत्माओं को जीतता है और वो एक विमान चालक नहीं बनता, ऐसा लिखा है। यू कैन बी अ पायलट, यू कैन बी अ साइंटिस्ट, यू कैन बी अ डॉक्टर, यू कैन बी इंजीनियर, यू कैन बी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, एनी इंजीनियर, बट वाइज पीपल they will start winning souls. They will sow money for winning souls. They will start doing something for winning souls. That is the greatest business of God. हाँ, आप एक विमान चालक बन सकते हैं, आप एक वैज्ञानिक बन सकते हैं, आप एक डॉक्टर बन सकते हैं, आप एक इंजीनियर बन सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर या किसी भी प्रकार के इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग आत्माओं को जीतना शुरू करते हैं, अपने पैसे को बोते हैं कि वो आत्माओं को जीते। आत्माओं को जीतने के लिए आप कुछ करना शुरू करें, यही परमेश्वर का सबसे बड़ा व्यवसाय है। Many people say, why should I honor God? बहुत सारे लोग इस प्रकार से कहते हैं, मैं परमेश्वर का आदर क्यों करूं? Because he created you. क्योंकि उसने आपको बनाया है। Why should you honor God? आपको परमेश्वर का आदर क्यों करना है? Because he created you. क्योंकि उसने आपकी सृष्टि की है। Created you specially. उसने आपको बहुत ही खास रूप से बनाया है। He has put a special fingerprints on your thumb. उसने एक खास प्रकार के उंगलियों के निशान आपके अंगूठे पे बनाए हैं। He gave you a special iris. उसने एक खास प्रकार की आंख की पुतली आपको दी है। He made you a special design. उसने आपको एक विशेष युक्ति के अनुसार बनाया है। Put a spirit in you. उसने आपके अंदर आत्मा को डाला है। So my dear brothers and sisters. इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, you may say, why should I honor God? हो सकता है कि आप कहें कि मैं परमेश्वर का आदर क्यों करूं? Because he understands you. क्योंकि वो आपको समझता है। He understands your life. वो आपके जीवन को समझता है। Understands your troubles. वो आपकी समस्या को समझता है। Nobody in the world can understand you perfectly. कोई भी संसार में आपको सिद्ध रूप से नहीं समझ सकता। Sometimes your own wife cannot understand. कई बार आपकी खुद की पत्नी आपको नहीं समझ पाती। Your own husband doesn't understand. कभी-कभी आपका पति आपको समझ नहीं पाते। He cannot understand what is your situation that you are going through. आप किस परिस्थिति में से जा रहे हैं वो उसको नहीं समझ पाते। The pain, mental tension what you have, they fail to understand. आप किस पीड़ा में हैं, किस मानसिक परेशानी में हैं, वो उसको समझने में असफल होते हैं। God can understand you perfectly. लेकिन परमेश्वर पूर्ण रूप से आपको समझ सकता है। Because he is the only the one who tuned your heartbeats. ये वही है जिसने आपके हृदय की गति को बनाया है। He knew all about you. वो आपके विषय में सब कुछ जानता है। Don't cry always. आप हमेशा मत रोइए। Why this test came to me? मेरे ऊपर ये परीक्षा क्यों आई है? Why this trouble for me? मेरे लिए ये समस्याएं क्यों हैं? If God is not answering your prayer. परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है, वो आपके लिए कुछ बना रहा है, कुछ तैयार कर रहा है, that he is preparing a best for you. कि वो आपके लिए सर्वोत्तम को बना रहा है। If your prayers are not answered immediately, अगर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको तुरंत नहीं मिलता है, means he is preparing something behind the screen. तो मतलब है कि वो पर्दे के पीछे आपके लिए कुछ तैयार कर रहा है। Continue to pray. आप प्रार्थना में लगातार बने रहे। Don't stop praying. प्रार्थना करना बंद ना करें। Continue to ask the Lord. परमेश्वर से पूछना जारी रखें। Best thing is yet to come. क्योंकि सर्वश्रेष्ठ का आना अभी बाकी है। Never think that you are alone. आप कभी भी मत सोचे कि आप अकेले हैं। Never think that you are left behind. आप ना सोचे कभी भी कि आप पीछे रह गए हैं। Don't be disappointed. आप निराश ना हो। Look unto God. परमेश्वर की ओर देखें। God who formed you in the womb of your mother. वो परमेश्वर जिसने आपकी माता के गर्भ में आपको बनाया है। Formed you. उसने आपको ये रूप दिया है। Created you. उसने आपकी सृष्टि की है। With a plan and with a purpose. एक योजना और उद्देश्य के साथ। D.L. Moody. और D.L. Moody ने भी। Charles Finney. Warren Roberts. And great men of God. और परमेश्वर के महान जन। Wigglesworth. All of them, they were thinking to become something, but God said, "You have to serve me." ये सभी कुछ ना कुछ बनने के विषय में सोच रहे थे,
लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें मेरी सेवा करनी है। प्रोफेट मोसेस, भविष्यद्वक्ता मूसा को, एंड यू सी द गिदियोन, और गिदियन को, एंड नहमाया, और नहमिया को, इज़रा, आप इज़रा को देखते हैं, सैमसन, सैमसन को देखते हैं, मेनी अदर पीपल इन द बाइबल, और बाइबल में और बहुत सारे व्यक्तियों का वर्णन है। इट्स अ गॉड्स प्लान, ये सभी परमेश्वर की योजना है। गॉड लॉर्ड, व्हाट इज योर प्लान, बी फुलफिल योर प्लान। आप प्रार्थना करें, प्रभु तेरी योजना क्या है, अपनी योजना को मेरे जीवन में पूरा कर। Wherever I am, whatever I'm doing, Lord, I want to please you, I want to fulfill your will. मैं जो भी हूँ, जहाँ कहीं भी हूँ, मैं तेरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ प्रभु, और मैं तुझे प्रसन्न करना चाहता हूँ। When you do that, God will supply all your needs. जब आप ऐसा करेंगे, तो परमेश्वर आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। Seek first the kingdom of God, then everything shall be added unto you. पहले आप परमेश्वर के राज्य की खोज करें, तभी ये सभी वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। If you believe it, lift up your hand. अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं तो अपने हाथों को उठाइए। I say, Jesus, I want to fulfill your will. कहे, यीशु, मैं तेरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। I want to obey you. मैं तेरी आज्ञाओं को मानना चाहता हूँ। Jesus, teach me to seek you first the kingdom of God. यीशु, मुझे सिखाइए कि मैं पहले परमेश्वर के राज्य की खोज कैसे करूँ। Father, touch me. पिता, मुझे छू। Wherever I am. मैं जहाँ कहीं भी हूँ। Whatever I am doing. मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ। Wherever I am working for. मैं जहाँ कहीं भी काम करता हूँ। Let me please you. कि मैं तुझे प्रसन्न कर सकूँ। Thy will be done, Lord. प्रभु, तेरी इच्छा पूरी होने पाए। Teach me to seek you first the kingdom of God. सिखा कि मैं पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करूँ। Teach me to sow good things in your ministry. सिखा कि मैं तेरी सेवा में अपनी अच्छी बातों को लगाऊँ। Cheerful giver. मुझे एक प्रसन्नता से देने वाला व्यक्ति बना। Be a heartful lover of God. मुझे ऐसा व्यक्ति बना जो पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करता है। So let me love you from the bottom of my heart. प्रभु, होने दे कि मैं अपने हृदय की गहराई से तुझसे प्रेम कर सकूं। Let me obey you 100%. होने दे कि मैं 100% तेरी आज्ञाओं को मानूं। Lord Jesus, teach me to obey you. प्रभु यीशु, मुझे सिखा कि मैं तेरी आज्ञाओं को मानूं। Holy Spirit, teach me to pray. पवित्र आत्मा, मुझे प्रार्थना करना सिखा। Teach me, Father God. सिखा पिता परमेश्वर। Jesus, teach me to forgive others. यीशु, मुझे सिखा कि मैं दूसरों को क्षमा कर सकूं। Teach me to forgive others. मुझे सिखा कि मैं दूसरों को क्षमा कर सकूं। Teach me to help others. मुझे सिखा कि मैं दूसरों की सहायता करूं। Use my life, Lord. मेरे जीवन को इस्तेमाल कर प्रभु। Made me wonderfully. तूने अद्भुत रूप से मुझे बनाया है। Lord, you will open doors for me. प्रभु, तू मेरे लिए द्वार को खोलेगा। I believe you only made me, you will open doors for me. मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ कि केवल तूने मुझे बनाया है और तू ही मेरे लिए द्वार खोलेगा। Yes, dear brother, continue to pray. If you are waiting for a job, he will open a door for you. हाँ मेरे प्रिय भाई, आप प्रार्थना करने में जारी रखें। अगर आप एक नौकरी की खोज में हैं, तो आपको एक अच्छी नौकरी देगा, उसके लिए मार्ग खोलेगा। In all the areas, in this people, those who fasted and prayed, those who attended this fasting prayer, let them see miracles. हाँ प्रभु, इन लोगों को आशीष दे, उनके आत्मिक जीवन में, शारीरिक रूप से, दिमागी रूप से, आर्थिक रूप से, हर एक क्षेत्र में उपवास की प्रार्थना में हिस्सा लिया है। होने दे कि वो चमत्कारों को पाए। Jesus name I pray. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूँ। Amen. Amen. Love of our Father in heaven. अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, Father in heaven. हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम, the grace of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, the communion and fellowship of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता, with all the saints of God, those who are washed by the blood of Jesus. और परमेश्वर के लहू से शुद्ध किए गए संतों के साथ होने पाए, people of God, those who are every day participating in this morning and evening life changing journey. और हर रोज इस लाइफ चेंजिंग जर्नी में जुड़ने वाले लोगों के जीवन में टू बी विद एवरी सर्वेंट ऑफ गॉड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे दुनिया भर में रहने वाले सारे संतों के साथ। दोस्तों, आर वाचिंग दिस YouTube लाइव चैनल, बी ब्लेस्ड एंड एवरीवन, लेट देम रिजॉइस इन क्राइस्ट। और हर एक व्यक्ति प्रभु आपके वचन को सुने और आशीषित हो। God bless you. Clap your hands and praise the Lord. ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। Make sure my brothers and sisters share this message with others. ये संदेश आप दूसरों के साथ बांटें। If you are not subscribed, please subscribe it. यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। Share with others. और दूसरों के साथ में आप बांटें। Sharing the word of God, we are also helping the orphanages. तो जब आप वचन बांट रहे हैं, तो आप अनाथ आश्रमों की मदद कर रहे हैं। God bless you. आइए जोर से ताली बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम फिर शाम को मिलेंगे और परमेश्वर की आराधना एक साथ करेंगे, और जितने भी इस प्रार्थना में जुड़ते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, जितने भी आपके पहचान के लोग हैं, आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी आप इस आराधना में
शामिल करवा सकते हैं। हमारा जूम आईडी है 9553901901। एक बार और, हमारा जूम आईडी है 9553901901। आइए प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना हम बोलें। है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और इसी प्रकार आप मेरे साथ इस वचन को दोहरा सकते हैं। है मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। है मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हमारे लिए प्रार्थना करते रहें, हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करते रहेंगे, और लगातार हमारे साथ बने रहें। परमेश्वर आपको आशीष करे। जय मसीह की।
Savior.